हेलो स्टूडेंट, सभी को गुड इवनिंग। तो स्टूडेंट, आप लोग का 7:30 बज गया है और 7:30 बजे से आप लोग का लाइव क्लास हिंदी था, लेकिन आज बायोलॉजी रखे हैं। क्या रखे हैं? आज बायोलॉजी का क्लास रखे हैं। क्यों रखे हैं? क्योंकि आज आप लोग को बताए थे कि 2 घंटा का लगभग क्लास लेंगे, बायोलॉजी का सिलेबस जल्दी ख़त्म करना है। इसकी वजह से आज का क्लास हिंदी रोक दिया है। कल बायोलॉजी नहीं पढ़ाए थे, इसलिए आज जो है आप लोग का 7:30 से बायोलॉजी चलेगा, ठीक है? और अभी 9 बजे तक पक्का चलेगा, ठीक है ना? देखिए, पिछले क्लास में परागण चला था। पिछले क्लास में क्या चला था आप लोग का? परागण, स्वपरागण चला था। क्या चला था बाबू? स्वपरागण चला था, ठीक है, स्वपरागण चला था। अब यहाँ पे एक बात समझ ले, सभी को गुड इवनिंग। कहा कर रहा बेटा, तुम भी पढ़ाएगा, तुम भी पढ़ाएगा। चले देखिए, तो पिछले क्लास में चला था आप लोग का स्वपरागण, और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्वपरागण के लाभ। क्या पढ़ेंगे? स्वपरागण के लाभ पढ़ेंगे। ध्यान से समझिएगा, एक एक बात जो है अच्छे से समझते चलना है। पिछले क्लास में स्वपरागण पढ़ा रहे थे, तो आज जो है आप लोग को हम पढ़ाएंगे स्वपरागण के लाभ। लेकिन अभी लाभ ही नहीं चलेगा, लगभग आज परागण पर परागण भी खत्म कर देंगे। आपको हम क्या बताए थे स्वपरागण में, याद होगा, बताए थे जैसे मान लीजिए एक पूरा ये पुष्प है। क्या है? पुष्प है। ध्यान से समझना, एक एक बात जो है अच्छे समझना। ये पूरा का पूरा जो है एक पुष्प है, ठीक है, ये पुष्प है। अरे हाँ जी, मैं बेचवा है मर। देखो देखो अब क्या कर रहा है, तुम भी पढ़ाएगा बेटा, हैं? तुम भी पढ़ाओगे? आ जाओ आ जाओ, बउआ पढ़ाएगा मेरा। अरे तुम ऐसे पढ़ाएगा बेटा, अरे ले जाओ इसको, कोई तुम भी पढ़ाएगा, तुम भी पढ़ाएगा बेटा, तुम भी पढ़ाएगा। देखो सब देख रही है, फुआ लोग, अंकल लोग सब देख रहे हैं। सबको बाय करो, टाटा करो, सबको टाटा करो, ऐसे करो ना टाटा। इधर देखो, इधर यहाँ देखो ना, यहाँ टाटा करो, टाटा कर दो सबको। हाँ टाटा बोलो, सब पढ़िएगा बढ़िया से, बोलो सब पढ़िएगा बढ़िया से। चलो ठीक है, जाओ जाओ जाओ। यहाँ पे आप लोग को बता रहे थे कि जैसे देखिए, यहाँ पे ये क्या है, ये है आपका पुष्प। क्या है बउआ? ये है आपका पुष्प है, ठीक है, ये पुष्प है। और इस पुष्प में आपको बताया थे ऐसे जो है परागण निकलती है। क्या निकलती है? इसमें पुष्पासन जहां पे बैठे होते इस जगह से पुंकेसर निकलती है। और बताए थे ये जो ऊपरी भाग है इसको क्या बोलते है, ये जो ऊपरी भाग हो गया, ये हो गया वर्तिकाग। ध्यान से समझना, बताए थे ये जो भाग है आपका पराग कोश है। कैसा भाग है? पराग कोश भाग है, ध्यान से दीजिएगा। चलिए ध्यान दे दिए, पराग कोश हो गया। ये जो भाग है, इस भाग को जो है कहते हैं वर्तिकाग्र। इसको क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र, ठीक है, वर्तिकाग्र। और वर्तिकाग्र में आपको देखो जहां पे दिक्कत होगी पूछ लेना, वो चला गया, वो है नहीं। चलिए देखिए, अब उसकी चिंता ना करो, पढ़ने की चिंता करो, ठीक है। तो देखिए एक बात समझिएगा, ये जो पराग कोश है, इस पराग कोश को अगर देखा जाए तो यहाँ पे परागकण बन रहे। और बताए थे बिना किसी माध्यम के, अगर बिना किसी माध्यम के परागकण मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो स्वपरागण। तो इसका लाभ क्या है? तो सबसे पहले हम लाभ की बात कर रहे हैं। स्वपरागण ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि इसके इसको जो है यानी स्वपरागण में देखा जाए तो इसे किसी माध्यम पर निर्भर नहीं होना चाहता, इसे किसी माध्यम पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है, माध्यम पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है, निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पहली बार आवश्यकता नहीं है, ये एक पॉइंट होगी, आवश्यकता नहीं है। चलिए अगर आपसे पूछे
कि स्वपरागण के लाभ बताइए, तो क्या बताइएगा कि स्वपरागण के लाभ में बताइएगा। पहला लाभ यही होता है कि किसी माध्यम पर इसको निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ता है, ये चाहेगा तो प्रजनन की क्रिया अपने आप कर सकता है, इसको कोई माध्यम पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। दूसरी अगर देखा जाए, यहाँ पे आवश्यकता लिखा हुआ है, लाइट्स की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, समझ रहे, लेकिन सुन लीजिए, इसे माध्यम पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। अगला पॉइंट, दूसरे पॉइंट में अगर हम बात कर ले तो इसमें जो होते हैं शुद्ध नस्ल होते हैं, इसमें जो होते हैं शुद्ध नस्ल क्या बीज होते हैं, शुद्ध नस्ल मतलब समझ रहे हैं, अगर पर परागण होता किसी दूसरे जाति का भी परागण आ जाता, लेकिन स्वपरागण किसी दूसरे का आएगा नहीं आएगा, तो शुद्ध नस्ल के बीज होते हैं, इसमें शुद्ध नस्ल के बीज का उत्पादन होता है, किसका होता है, शुद्ध नस्ल के बीज का या पौधा का उत्पादन होता है, उत्पादन होता है। एक बात ये हो गया, ठीक है। अगला बात समझ लीजिए, अगला बात क्या समझना है कि जैसे अगर देखा जाए, इसमें क्या देखा जाए, ये जो परागण होते हैं, यहां पे यह भी कह सकते हैं कि इसमें जो है परागकण की हानि नहीं होती है, इसमें जो है परागकण की हानि नहीं होती है, परागकण की हानि नहीं होती है, हानि नहीं होता है, यानी परागकण ज्यादा छिटाता नहीं है, जितना परागकण होती है आवश्यकता उतने पे ही ये परागण की क्रिया कर लेती है, परागकण की हानि ना के बराबर होता है, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, और क्या लाभ हो सकता है, तो एक और लाभ लिख देते हैं आप लोग को कि लाभ हो सकता है कि स्वपरागण को, यानी इसे स्वपरागण को यहाँ पे लिख देते, इसे सुगंध की आवश्यकता नहीं होती है, सुगंधित पुष्प होने की जरूरत नहीं है, सुगंधित या रस युक्त पुष्प, सुगंधित रस युक्त या रंगीन पुष्पों की आवश्यकता नहीं पड़ती, रंगीन होने की आवश्यकता नहीं होती है, होने की आवश्यकता नहीं होती, याद रखिएगा। ये जो स्वपरागण होती है, स्वपरागण जो है इसमें रंगीन और सादा से मतलब नहीं होता है, आवश्यकता नहीं होती है, याद रखिए, नहीं होती है। अब यहाँ पे एक बात समझ लो, स्वपरागण के लाभ में क्या याद रखिएगा, बस लाभ में चार लाभ, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है, कोई कीट पतंग की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें जो बीज बनते हैं, जो पौधा बनते हैं, शुद्ध नस्ल के बनते हैं, इसमें परागकण की हानि नहीं होती है, इसमें एक पौधा को स्वपरागण के लिए पौधा को सुगंधित रक्स युक्त या और रंगीन होने की आवश्यकता नहीं होती। अब आती है कि स्वपरागण की हानि, यह तो लाभ हो गया, अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं स्वपरागण के हानि, स्वपरागण की हानि क्या क्या हो सकती है, स्वपरागण की हानि ध्यान से समझिएगा एक एक बात कि स्वपरागण की हानि क्या हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हानि में एक ही बात करेंगे, क्या करेंगे कि स्वपरागण से उत्पन्न जो पौधा होते हैं वो सरल और कमजोर होते हैं, यानी कह सकते हैं इससे उत्पन्न पौधा स्वपरागण के द्वारा, इससे उत्पन्न पौधा जो होते हैं सरल एवं कमजोर होते हैं, उत्पन्न पौधा सरल एवं कमजोर होता है, सरल एवं क्या होते हैं कमजोर होता है, याद रखिएगा, उत्पन्न पौधा सरल एवं कमजोर होता है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा कि दूसरा क्या हानि हो सकता है कि इसके स्वपरागण की क्रिया के द्वारा आप हाइब्रिड पौधा नहीं बना सकते, हाइब्रिड पौधा बनाने के लिए किसी ना किसी दूसरे प्रजाति के परागण की आवश्यकता पड़ेगी, तब यहां पे कहेंगे इससे हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब समझ रहे हैं संकर, हाइब्रिड का मतलब जो है संकर, यानी हाइब्रिड पौधा का उत्पादन नहीं किया जा सकता है, हाइब्रिड पौधा का उत्पादन नहीं किया जा सकता है, उत्पादन नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, चले नहीं किया जा सकता है,
याद रखिएगा। अब आइए इसमें और क्या हानियां हो सकती है, ये हो गया है। ये हानि ये हो सकता है कि इसमें जो है किसी पर निर्भर तो रहना पड़ नहीं रहा है और ना ही इसके द्वारा संकर यानी हाइब्रिड पौधा का उत्पादन कर सकते हैं। इसके द्वारा उत्पन्न पौधा जो होते हैं सरल एवं कमजोर होते हैं। और यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि इसमें एक ही पादप का लक्षण दिखाई देते हैं, इसमें एक ही पादप का लक्षण दिखाई देते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब यहां पे अरे मोबाइलवा को ना ऐसे घुमा करके देखो, ऐसे सीधा देखता है तब छोटा दिखाई देता है, ऐसे घुमाओ बड़ा करके देखो ना जूम करके, क्या बात है। और कितना बड़ा लिखे जी, इतना बड़ा तो लिख देते हैं फिर भी कहता है सर थोड़ा बड़ा लिखिए, कहां पे दिखाता रही यहां पे और यहां पे लिखे क्या, इससे उत्पन्न पौधा सरल एवं कमजोर होता है, यानी स्व परागण के द्वारा उत्पन्न पौधा क्या होते हैं कमजोर होते हैं, ये परागण की हानि हो गई। ठीक है, परागण के स्व परागण से हाइब्रिड नहीं बना सकता, ये हानि हो गई। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही पौधा का लक्षण, क्योंकि पर परागण होगा था ना दूसरा पौधा के लक्षण आएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पौधा का लक्षण दिखाई देता है। इसमें एक बात और समझिएगा कि इसके द्वारा उत्पन्न पौधा यानी इसमें पौधा कम विकास होता है, पौधा का विकास कम होता है, इसमें पौधा का जो विकास होता है विकास कम होता है, विकास कम होता है। ठीक है, अब आइए एक बार रिपीट करते हैं फिर चलते हैं। ये हो गया स्व परागण खत्म, जितना था स्व परागण सारे हमने पढ़ा दिया। तो क्या यहां पे समझिएगा एक बात कि स्व परागण यानी स्व परागण के लाभ में क्या क्या लिखिएगा, इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसमें शुद्ध नस्ल के बीज या पौधा उत्पादन होते हैं, इसमें परागकण की हानि नहीं होती है, इसमें पौधा को सुगंधित रस युक्त मतलब रस से भरा हुआ रंगीन होने की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी हानि क्या होती है, स्व परागण में जो है स्व परागण के द्वारा उत्पन्न पौधा सरल एवं कमजोर होता है, स्व परागण से हाइब्रिड पौधा का उत्पादन नहीं किया जा सकता है, स्व परागण में एक ही पादप का लक्षण दिखाई देता है, दो पादप का लक्षण नहीं होता है, पर परागण दूसरे जाति का लक्षण दिखाई देंगे, तीसरा इसमें पौधा का विकास कम होता है यानी स्व परागण के द्वारा उत्पन्न पौधा कम विकसित होते हैं, ज्यादा विकसित नहीं होते। ठीक है, चलिए चलो देखो यहाँ पे समझो, अब इधर मिटा देते हैं। ठीक है, इधर जो है मिटा देते हैं, अब समझना है बढ़िया से पर परागण, क्या समझना है पर परागण समझना है। चलिए देखिए पर परागण समझ लीजिए कि पर परागण क्या होते हैं। चलो देखो यहाँ पे ये फिगर रहने देते हैं। ठीक है, फिगर को मिटाएंगे नहीं, ऊपर से मिटा देते हैं सिर्फ। चलिए अब आइए इधर देख लो, यहां पे क्या देखना है, चलिए देखो चलो देखो, अब यहां पे हम बात कर लेते हैं पर परागण का, किसका बात कर लेते हैं पर परागण का, पर परागण का। अब एक बात समझो, क्रॉस पोलिनेशन, पर परागण को क्या बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन का मतलब होते हैं पर परागण क्या होता है, पर परागण होता है। तो चलिए देख लेते, अब यहां पे एक बात समझे थे कि पर परागण जो होती है, पहले भी कई बार बता दिया है कि पर परागण जो होते हैं उस पर परागण में जैसे मान लीजिए एक तितली है, क्या है ये तितली बना दिए। ठीक है, ये बन गया आपका तितली, और तितली ये जो बना दिए हैं इस तितली को क्या हो गया, तितली को कीट पतंग बोलते हैं, तितली को क्या बोलते हैं कीट पतंग बोलते हैं, कीट पतंग में तितलियां आती है कीटों में, ये कीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या समझना है कि पर परागण में बताए थे एक बात याद हो गया कि क्या बताए थे कि पर परागण में परागण की क्रिया के लिए
माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और माध्यम क्या क्या होते हैं, माध्यम में बताए थे चाहे तो हवा हो सकती है या कीट पतंग हो सकती है। कीट पतंग में सारे अतिंगा फतिंगा सब आ जाता है। कीट पतंग हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं, जल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? पक्षी हो सकते हैं, जल हो सकते हैं, घोंघा हो सकते हैं, ठीक है, चमगादड़ हो सकते हैं, चमगादड़ हो सकते हैं। इसमें और जो है सांप वगैरह सारे चीज आते। कितना लिखना, तो एक बात समझिएगा, ये सब क्या है? माध्यम है। तो जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा जो है बाह्य दल है, इधर क्या हो गया, ये बना देते हैं यहाँ पे आपका बाह्य दल, ठीक है, ये बन गया बाह्य दल। ये क्या बन गया? बाह्य दल बन गया। और इस बाह्य दल में अगर देखा जाए, इस बाह्य दल में ये जो बाह्य दल होते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे पूरा दल है, यहाँ पे क्या है, दल है, और इधर भी क्या है, दल है, ठीक है, ये दल हो गया। अब तितलियां रस चूसने के लिए बैठा, रस चूसने के बाद यहाँ पे मंडराने के क्रम में इसके शरीर में परागकण लगा, इसके शरीर में, तितली के शरीर में क्या लगा, परागकण, परागकण लग गया। अब जैसे दूसरे पौधा पर रस चूसने गया या उसी पौधा के जो मादा भाग के प्रतिकागर पर आके परागकण गिर गया इस कीट के माध्यम से, तो ये क्या हो गया, पर परागण। यानी कहेंगे कि वैसा पराग है जिसमें पराग कोष से क्या निकलता है, परागकण, पराग कोष से क्या निकलता है, परागकण निकलता है। तब कहेंगे पराग कोष से परागकण निकलकर किसी माध्यम की सहायता से मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, उसे पर परागण कहते हैं। ध्यान से, यानी कहेंगे इसकी अगर परिभाषा देना है तो क्या परिभाषा में लिखिएगा कि पराग कोष से, ध्यान से समझना है, पराग कोष से पराग कण निकलकर, पराग कोष से पराग कण निकलकर, ध्यान से, पराग कोष से पराग कण निकल कर, ठीक है, निकल कर किसी माध्यम के, किसके सहायता से, किसी माध्यम की सहायता से, तब यहां पे कहेंगे किसी माध्यम, किसी माध्यम की सहायता से। ध्यान से एक एक बात समझना है, किसी माध्यम की सहायता से, माध्यम की सहायता से कहां पहुंचता है, मादा भाग के वर्तिकाग्र तक, मादा भाग के, मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। चलिए, वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तक पहुंचता है, उसको क्या बोलते हैं, पर परागण कहेंगे। यानी इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि पर परागण में माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। पर परागण में क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना किसी, चाहे तो वो जल माध्यम में हो, चाहे तो पक्षी हो, घोंगा हो, चमगादड़ हो, कीट पतंग हो, हवा, कोई ना कोई एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, और माध्यम से ही परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, उसको पर परागण कहते हैं। अब आइए कुछ देख लेते हैं पर परागण के अनुकूलन को, किसको देख लेते हैं, पर परागण के अनुकूलन, ध्यान से, पर परागण के अनुकूलन की, पर परागण के जो है अनुकूलन क्या है, पर परागण के अनुकूलन। चलिए, अब ये पर परागण होते हैं तो इसमें अनुकूलन कौन, अनुकूलन में कौन कौन आते हैं, ठीक है, तो अनुकूलन में जैसे यहां पे समझ लो, अनुकूलन में सबसे पहले आता है यहाँ पे बंध्याता। किसमें बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पर परागण के बंध्याता के बारे में, किसके बारे में, पादप में बंध्याता, यानी पर परागण के बंध्याता के बारे में कि पर परागण में बंध्याता क्या होती है। ये जो बंध्याता लिखे, चाहे तो आप इसको स्वबंध्याता कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, स्वबंध्याता भी कहेंगे, कैसे कहेंगे, सुनिए अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको। जैसे मान लीजिए पूरा का पूरा हम फिगर बना दे रहे हैं, क्या बना दे रहे हैं, ये फिगर बना दे रहे हैं, ठीक है, और इस फिगर में अगर देखा जाए तो जैसे यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या बन गया, पुष्प बन गया, और इस पुष्प में बताए कि चलो यहाँ पे नर भाग है, क्या है, नर भाग है।
अब यहां से नर भाग से पराग कण जो है इस मादा भाग के वर्तिकाग्र तक जाता है, मादा भाग के वर्तिकाग्र तक, और किसकी सहायता से जाएगा, माध्यम से, किससे जाएगा, माध्यम से जाएगा, और माध्यम में जो है चाहे हवा जल घोंगा पक्षी पतंग कीट पतंग कुछ भी हो, ये माध्यम से यानी पराग कोष से पराग कण निकलकर वर्तिकाग्र तक गया। लेकिन इस वर्तिकाग्र पर जाने के बाद ये जो वर्तिका नली होती है, इस वर्तिका नली का यानी जो वर्तिका नली भाग है, वर्तिकाग्र का नहीं, वर्तिका, वर्तिकाग्र इसको इसको इस बार नली को वर्तिका बोलते हैं, ठीक है। तो वर्तिका का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है, पूर्ण विकास नहीं होता है, वर्तिका का पूर्ण विकास नहीं होता है, पूर्ण विकास नहीं होता है। तो जब पूर्ण विकास नहीं होगा तो क्या पराग कण कभी भी बीजाणु तक आएगा? नहीं, जब नली नहीं बनेगा तो होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे कहेंगे स्वबंध्यता या पर परागण क्या ऐसा अनुकूलन होते हैं जिसमें पराग कोष से पराग कण निकलकर मादा भाग के वर्तिकाग्र तक जाते हैं, लेकिन वर्तिका पूर्ण विकसित ना होने के कारण निषेचन की क्रिया नहीं होती है, निषेचन नहीं होती है, निषेचन नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्वबंध्यता। देखिए अब यहां पे एक बात समझिए, यानी क्या करेंगे कि जब यहां पे परिभाषा, पराग कोष से पराग कण निकलकर मादा भाग के वर्तिकाग्र तक जाता है, पराग कोष से पराग कण निकलकर मादा भाग के वर्तिकाग्र तक जाता है, लेकिन वर्तिका पूर्ण विकास नहीं होने के कारण निषेचन की क्रिया नहीं कर पाता है, इसलिए इसे स्वबंध्यता कहते हैं। जैसे पिटूनिया, लिख देते हैं पिटूनिया पादप में, एग्जाम्पल में जैसे, जैसे में क्या हो जाएंगे, पिटूनिया, याद रखिएगा, जैसे में पिटूनिया, पिटूनिया के पादप में वर्तिका पूर्ण विकास नहीं होता है, इसलिए जो निषेचन उस पौधा में ना के बराबर होता है, इसको निषेचन के लिए दूसरे दूसरे जो है भाग पर निर्भर होना पड़ता है, ठीक है। हाँ, इसमें निषेचन होते हैं, ऐसा नहीं होता है। निषेचन कैसे होगा, इसमें जिस समय विकास होगा उस समय, तो इसके तब तक जो है दूसरे पौधा जो खुले होते हैं उस पर चल जाते हैं, इसमें जो पराकन निकलकर दूसरे पौधे पे चले जाते हैं, और तब तक विकास होता है तब दूसरा पराकन आता है, तो यहाँ पे ऐसे होते हैं, तो इसको बोलते हैं स्वबंध्यता, ठीक है। अब आइए, अब हम बात कर लेते हैं स्व अनिषेच, क्या बात कर लेते हैं, स्व अनिषेच, अनिषेच, स्व अनिषेच उभयलिंगता, की स्व अनिषेच उभयलिंगता क्या होता है। चलिए, स्व अनिषेच उभयलिंगता, अब यहां पे एक बात, निषेचन यानी बिना नहीं, निषेचन नहीं होना, इसका मतलब अनिषेच। अब एक बात समझिए क्या, कि अगर मान लीजिए यहाँ पे फिगर बनाते हैं, ये कोई पौधा है, और इस पौधा में अगर देखा जाए तो ये जो पौधा है, इस पौधा में ये मादा भाग, ये क्या हो गया, मादा भाग हो गया, और इस मादा भाग में अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा क्या हो गए, ये पूरा बीजांड हो गए, और ये क्या हो गया, पुष्पासन। अगर मान लीजिए इसमें ये जो नर भाग है, ये नर भाग मादा से छोटा है, क्या है, छोटा है, एक और पुष्प बना देते हैं, ठीक है, एक और पुष्प में क्या बना देते हैं, इसमें समझ लीजिए इसका जो मादा भाग है, ये मादा भाग है, क्या है, ये मादा भाग है, ये मादा भाग जो होते है, इस मादा भाग में ये नीचे पुष्पासन हो गए, और इसका नर भाग क्या है, लंबा है कि नहीं, यानी इसमें मादा भाग लंबा है तो इसमें नर भाग लंबा है, इसमें नर भाग छोटा तो इसमें मादा भाग छोटा, एक दूसरे को उल्टा है। तो स्व निषेचन यानी कभी भी तितली बैठेगा तो यहां से पराग कण निकल के यहां जाएगा, ये वाला ऊंचा रहेगा तो झर सकता है, लेकिन क्या वर्तिका ऊपर, ये मादा भाग ऊपर बड़ा रहेगा, तो क्या नर अगर छोटा रहेगा, मादा बड़ा रहेगा, तो पराग कण यहां से कैसे जाएगा, जाएगा जल्दी नहीं जा पाएगा। यानी कहेंगे स्व अनिषेच उभयलिंगता उसको बोलते हैं जिसमें नर और मादा, जिसमें क्या, नर और मादा, जो नर होते हैं और जो मादा होते हैं, ये दोनों भिन्न भिन्न, दोनों जो है भिन्न भिन्न लंबाई के होते हैं, दोनों क्या होते हैं, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न
लंबाई आकार का होते हैं, लंबाई आकार का होते हैं, लंबाई आकार का होते हैं, इसलिए इसे स्व अनिषेच उभयलिंगता कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्व, यानी अगर एग्जाम उभयलिंगता पूछेगा स्व अनिषेच उभयलिंगता, तो क्या कहिएगा कि जब नर और मादा दोनों भिन्न भिन्न लंबाई आकार के होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वैसे पुष्प को स्व अनिषेच उभयलिंगता। नर और मादा दोनों होते हैं उभयलिंगी, मतलब क्या, जिसमें नर मादा दोनों लिंग हो, तो दोनों लिंग है लेकिन दोनों का लंबाई आकार क्या है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, तब इसको कहा जाता है स्व अनिषेच उभयलिंगता। इसको बउआ, इसको एक पूछ रहा लड़का, देखो इसमें बताए थे कि जब पराग कोष से पराग कण निकलकर मादा भाग के वर्तिकाग्र तक जाता है लेकिन वर्तिका पूर्ण विकास न होने के कारण निषेचन नहीं होती है, उसे स्वबंध्यता कहते हैं। बंध्यता का मतलब होता है निषेचन ना होना, ठीक है, यानी बांझ। चलिए इधर मिटाते हैं, अब आइए, चलो देखो अब यहां पे एक और बात समझ लीजिए। अब यहां पे क्या समझना है, अब बात कर लेते हैं भीनकाल पक्वता का। क्या बोलते हैं? भीनकाल पक्वता, भीनकाल पक्वता, कि भीनकाल पक्वता क्या होता है, भीनकाल पक्वता इसके बारे में, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इसमें सिंपल सी बात याद रखिएगा कि जो नर भाग होते और जो मादा भाग होते, नर और मादा, यानी जो नर भाग होते हैं और मादा भाग होते हैं, नर मादा दोनों अलग अलग समय पे, दोनों अलग अलग, याद रखिएगा, अलग अलग समय पर प्रजनन के लिए परिपक्व होते हैं, समय पर प्रजनन के लिए, अलग अलग समय पर प्रजनन के लिए परिपक्व होता है, प्रजनन के लिए परिपक्व होता है, परिपक्व, अलग अलग समय पर जन्म के लिए परिपक्व होता है। परिपक्व का मतलब क्या, अलग अलग तैयार होना, परिपक्व का मतलब क्या, तैयार होना। यानी सुनो, यानी जैसे मान लीजिए कि इसमें जो नर होंगे ना पौधा में और मादा, एक मान लीजिए आज जो है परिपक्व हो गया, आज प्रजनन के लिए तैयार हुआ, ये वो मादा जो है दो दिन बाद होगा, तो अलग अलग समय पे हो रहा प्रजनन के लिए तैयार, तो कहेंगे भीन काल पक्वता उसको बोलते हैं जब नर और मादा दोनों अलग अलग समय पे प्रजनन के लिए परिपक्व होता है, अलग अलग समय पे प्रजनन की क्रिया के लिए तैयार होता है, तो उसको भीन काल पक्वता कहते हैं। देख लेते हैं परपरागण के लाभ, कि परपरागण के क्या लाभ हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं परपरागण के लाभ, यहीं पर लिख देते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखो अगर हम परपरागण हो रही है तो परपरागण के लाभ क्या हो सकता है, क्या हो सकता है परपरागण के लाभ, कि परपरागण के लाभ क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए समझिएगा बढ़िया से परपरागण के लाभ, कि परपरागण के लाभ क्या, पहला लाभ हम यही देख सकते हैं कि परपरागण से, देखो परपरागण से लाभ क्या क्या हो सकते हैं, कि इससे परपरागण से, इससे संकर, इससे संकर मतलब हाइब्रिड, संकर मतलब क्या, हाइब्रिड पादप उत्पन्न किया जा सकता है, पादप उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, ये इसका लाभ हो गया, किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा परपरागण की क्या क्रिया हो सकती है, दूसरा यह हो सकता है कि परपरागण मानव इच्छा अनुसार भी करा सकता है, यानी कृत्रिम परागण की क्रिया कराया जा सकता है, कृत्रिम परागण की क्रिया कराया जा सकता है, ये लाभ हो गया, क्रिया कराया जा सकता है, कराया जा सकता है, ठीक है। ये पर परागण की क्या हो गई, लाभ हो गई। पर परागण में बिना माध्यम के तो होता नहीं है पर परागण, पर परागण में माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक बात समझिएगा,
परपरागण जो होते हैं ना, इस परपरागण से नई प्रजातियों के, यहाँ पे कह सकते हैं, इससे नई प्रजातियों, इससे उच्च किस्म के, क्या बाबू, उच्च उच्च किस्म का मतलब समझ रहे हैं, नई नस्ल, उच्च किस्म के बीज का उत्पादन किया जा सकता है, उच्च किस्म के बीज का उत्पादन किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, उच्च किस्म यानी नई नस्ल के बीज का उत्पादन किया जा सकता है या जा सकता है, ये बहुत जरूरी है। अगर हानि देख ले तो यहां पे इधर मिटा देते हैं, ठीक है। अब चलिए, देखो अब हम इसकी हानि को अगर समझ ले तो हानि देखिए, समझिएगा, अगर हम पर परागण की हानि देख लेते हैं, पर परागण की हानि, पर परागण की हानि, तो पर परागण की हानि में क्या हो सकते हैं, ठीक है। हानि में यही चीज होगा कि जो पर परागण होते हैं, इस पर परागण यानी पर परागण माध्यम पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, माध्यम पर, ठीक है। यानी इनको जो है ना माध्यम पर निर्भर रहना पड़ेगा, माध्यम पर निर्भर करता है। पर परागण किस पर करता है निर्भर, माध्यम पर निर्भर करता है, ये हो गया पर परागण की हानि। ये हानि हो गया किसको, किसी ना किसी पर डिपेंड रहना पड़ेगा, अपने से नहीं होगा। दूसरा अगर हम बात कर ले तो इसमें परागकण की बर्बादी होती है, इसमें जो होते हैं परागकण की बर्बादी यानी ढेर बहुत ज्यादा होता है, परागकण की बर्बादी होती है, बर्बादी समझ रहे हैं ना, यानी बहुत सारे परागकण ऐसे ही नष्ट हो जाते, जैसे तितली का शरीर में लगेगा तो कुछ बिना मतलब के ऐसे लग के जहां तहां गिर जाते, तो क्या परागकण की बर्बादी होती है। तीसरा अगर इसमें परागण देख ले तो इससे जो है शुद्ध नस्ल नहीं बल्कि इससे इससे अशुद्ध, इससे जो है अशुद्ध लक्षण, इसमें इसमें यानी जो पौधा बनते पर परागण में अशुद्ध लक्षण विकसित होते, अशुद्ध लक्षण विकसित होते हैं। अशुद्ध लक्षण क्या होते हैं, विकसित होते हैं, यानी शुद्ध लक्षण नहीं होता। क्यों नहीं होता, कि विभिन्न प्रकार के प्रजाति का ही परागण होता है, जेरा तेरा पर जाके परागण की क्रिया करवा देता है, तो इसमें क्या होते हैं, अशुद्ध लक्षण विकसित हो जाते हैं। आ गया ये। अगर इसमें और देखा जाए पर परागण की हानि में, तो जो पर परागण होते हैं इसमें अनेकों पौधा के लक्षण होते हैं, क्या होते हैं, इसमें अनेकों अनेकों पादप, अनेकों पादप के लक्षण, अनेकों पादप के लक्षण होते हैं, अनेकों पादप के लक्षण होते हैं। तो ये पर परागण के लाभ इधर और इधर हानि। अगर स्वपरागण और पर परागण में अंतर पूछेगा, कहेगा स्वपरागण और पर परागण के अंतर बताइए, तो क्या बताइएगा, स्वपरागण के पूरा लाभ हानि एक दिन लिख देना और एक दिन पर परागण के लाभ हानि लिख देना, हो गया अंतर, बस इतना ही तो करना है। चलिए तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पर परागण के माध्यम का, किस पर बात कर लेंगे, पर परागण के माध्यम, पर परागण के माध्यम कि पर परागण के माध्यम क्या क्या, देखो चलिए तो माध्यम पे आ जाते हैं। देखिए जो पर परागण होते हैं इसको दो माध्यम होते हैं, क्या, दो पर परागण करवाने के लिए दो प्रकार के माध्यम होते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के माध्यम होते हैं। पहला जो माध्यम होता है, इस पहला माध्यम को देखा जाए तो एक होते हैं जीवीय, क्या होते हैं, जीवीय माध्यम होता है, और एक होता है आजीवी, एक जीवी होता है और एक होता है आजीवी। चलिए देखिए, तो अब यहां पे एक बात समझिएगा,
जीवित का मतलब कि जो जीवित अवस्था में, जीवित अवस्था में होते हैं, जीवित अवस्था में। और अजीवीय का मतलब हो गया जो अजीवित यानी निर्जीव अवस्था में, निर्जीव अवस्था में होते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझो, जीवित अवस्था और निर्जीव अवस्था क्या, जीवित अवस्था, देखिए निर्जीव अवस्था और जीवित अवस्था। तो निर्जीव जीवित अवस्था में क्या आते हैं, जीवित अवस्था में पक्षी आते हैं, क्या आते हैं, पक्षी आते, घोंघा आते, घोंघा आते, चमगादड़ आते हैं, चमगादड़ आते हैं। ये सब क्या है, ये सब है आपका जीवित अवस्था में, ठीक है। कीट पतंग, कीट पतंग क्या है, कीट पतंग जीवित अवस्था में है। और देखो परागण में दो माध्यम होते हैं, ठीक है, एक कीट पतंग के द्वारा होता है तो कीट पतंग क्या हो गया, जीवित। घोंघा के द्वारा हो गया तो घोंघा क्या हो गया, जीवित हो गया। पक्षी के द्वारा, पक्षी जीवित। निर्जीव अवस्था में क्या होंगे, निर्जीव में होंगे हवा, हवा जल। निर्जीव में क्या होगा, हवा होगा, जल होगा। तो हवा जल अजीवीय हो गए, ठीक है। तो ये दो प्रकार के माध्यम पर परागण की क्रिया के लिए होते, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं और देख लेते हैं पर परागण के प्रकार, ठीक है, कि पर परागण कितने प्रकार के होते हैं, पर परागण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक एक बात जो है अच्छे से समझते चलना है कि पर परागण क्या होते हैं, पर परागण के प्रकार कितने होते हैं, सारा एक एक बात जो है अच्छे से अभी देखेंगे। चलो देखो, जिनको नींद आ रहा जाके सुत रहो। चलिए देखिए यहाँ पे अब समझ लेते हैं पर परागण के प्रकार, कि पर परागण कितने प्रकार के होते हैं, पर परागण के प्रकार, पर परागण के प्रकार। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे एक बात समझते हैं, क्या समझते हैं देख लो। सबसे पहले हम एक पुष्प बनाते हैं, क्या बना दे रहे हैं, ये पुष्प बना दे रहे हैं। और ये जो पुष्प है, इस पुष्प में देखा जाए ये वाला नीचे वाला हो गया आपका पूरा का पूरा अंडाशय, जेकरा में होते हैं बीजांड। और ये जो बीजांड होते हैं इससे क्या निकलते हैं, पुष्प वृंत निकलते हैं, ठीक है। और ये जो पुष्प वृंत होते हैं, इस पुष्प वृंत में ये बाह्य दल ऐसे निकलते कि निकलते हैं बाह्य दल। यहां से ये निकलता है क्या, ये पुष्प का नर भाग, इसको क्या बोलते हैं, इसको पराग कोष कहते हैं। सुनना बढ़िया से और नीचे थोड़ा बनाते हैं। चलो ये जो निकलता है इसको बोलते हैं पराग कोष, क्या बोलते हैं इसको, पराग कोष बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया पराग कोष। अब इस पराग कोष में ये जो निकलता है पराग कण, ये कितना है, ये सब क्या है, पराग कण हो गए। और पराग कण निकलते कहां से, पराग कोष से निकलते हैं। पराग कण कहां से निकलेंगे, पराग कोष से निकलते हैं। और ये जो भाग है, इस भाग को क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। इस भाग को क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। और ये जो वर्तिकाग्र होता है क्या होता है, पुष्प का मादा भाग होता है, पुष्प का क्या होता है, मादा भाग होता है। अब यहाँ पे एक बात समझना है, क्या समझना है देखो, एक एक बात जो है अच्छे से समझना, पर परागण के प्रकार में, पर परागण के प्रकार। तो चलिए अब यहां से एक बात समझिए, पराग कोष से पराग कण निकला, अब पराग कण निकल करके इस मादा भाग के वर्तिकाग्र तक, मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, कहां पहुंच रहा है, मादा भाग के वर्तिकाग्र तक। और किससे के माध्यम से, किसी भी माध्यम से पहुंच रहा है,
तब बोलते हैं यहाँ पे कि पर परागण की क्रिया होती है, यानी पराग कोष से पराग का निकलकर मादा भाग के वर्तिकाग्र तक माध्यम की सहायता से पहुंचता है, तब उसको क्या बोलते हैं, पर परागण। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, चलिए अगर इसमें माध्यम देखा जाए, क्या देखा जाए, माध्यम। माध्यम में मान लीजिए कीट पतंग है, माध्यम में क्या है, कीट पतंग है, कीट पतंग है, माध्यम में कीट पतंग है, तो क्या हो जाएगा कि पराग कोष से पराग का निकलकर किसके माध्यम से, कीट के माध्यम से कहां पहुंच रहा है, मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंच रहा है, तो इस क्रिया को बोलते हैं कीट परागण। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कीट परागण, याद रखिएगा कीट परागण। यानी यहाँ पे कहेंगे, क्या कहेंगे, कि पराग कोष से पराग का निकलकर कीट के सहायता से मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, पर परागण कहेंगे। यानी इसमें पराग कण का स्थानांतरण किसके द्वारा हो रहा है, जो पराग कण है कीट परागण में, पराग कण का स्थानांतरण, याद रखिएगा पराग कण का स्थानांतरण कीट की सहायता से होता है, किससे होता है, कीटों के द्वारा होता है। तो जब कीटों के द्वारा पराग कण का स्थानांतरण हो रहा है तब उसको क्या बोलेंगे, तब उसको बोलेंगे कीट परागण, ठीक है। और यह स्थानांतरण हो रहा है कहां, वर्तिकाग्र तक, कहां हो रहा है, वर्तिकाग्र पर, कहां होता है, वर्तिकाग्र पर, किस कीटों के द्वारा होता है, वर्तिकाग्र पर, तब उसको क्या बोलते हैं, कीट परागण। यानी सिंपल परिभाषा देना है कि पराग कोष से पराग का निकलकर कहां कीट की सहायता से मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, इस क्रिया को परागण कहते हैं। यानी पराग कण का स्थानांतरण कीट की सहायता से वर्तिकाग्र पर होता है, उसको क्या बोलते हैं, कीटों के द्वारा चलने के लिए वर्तिकाग्र पर होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, कीट परागण। अब एक इसकी शर्त होती है, क्या होता है, कीट परागण का शर्त होता है, ठीक है, कि कीट परागण जो होते हैं होता क्यों है, इसका कारण क्या, शर्त, ठीक है। अब हम कीट परागण के कुछ शर्त की बात कर ले, कुछ नियम। तो देखो कीट परागण तभी होंगे जब पुष्प क्या हो, बड़ा होगा, पुष्प क्या होंगे, पुष्प बड़े होंगे। कीट परागण में शर्त है कि जब पुष्प बड़ा हो, यानी पुष्प जो है बड़ा होना चाहिए। अब एक बात समझिए, अगर पुष्प छोटा होगा तो कीट पतंग को बैठने में दिक्कत होगा, तो उस पर बैठेगा नहीं कीट पतंग, और नहीं बैठेगा तो परागण की क्रिया नहीं होगी। अब आइए दूसरा, दूसरा कहता है कि पुष्प में रस होना चाहिए, जो पुष्प है उस पुष्प में रस होना चाहिए, सुगंध होना चाहिए, रस और क्या होना चाहिए, सुगंध और रंगीन होना चाहिए, पुष्प में रस सुगंध रंगीन होना चाहिए, पुष्प जो है पुष्प में रस होना चाहिए, सुगंध होना चाहिए, पुष्प रंगीन होना चाहिए। अगर पुष्प ये रस सुगंध रंगीन है तभी ना कीट आकर्षित होगा, सुगंधित रहेगा तो सूंघने जाएगा, रस होगा रस चूसने जाएगा, तब परागण की क्रिया होगी। अब आइए, चलिए देखिए कि ये जो पुष्प होते हैं, इस पुष्प में अगर देखा जाए तो पुष्प क्या होना चाहिए, बड़ा, शर्त होना है, पुष्प क्या होना चाहिए, पुष्प में रस होना चाहिए, पुष्प में क्या होना चाहिए, सुगंध होना चाहिए, पुष्प रंगीन होगा, चमकीला होगा, तब परागण की क्रिया होगी, नहीं तो ऐसे नहीं होगी, कीटों के द्वारा, ऐसे किसी और के द्वारा हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरा परागण, क्या परागण बात कर लेते हैं, दूसरा होता है आपका हवा परागण, क्या होता है, हवा परागण, ठीक है, हवा परागण, चलिए हवा परागण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बात समझिएगा, हवा परागण में क्या बोलेंगे
कि जब पराग कोष से पराग का निकलकर किसके माध्यम से, हवा के माध्यम से कहां पहुंच रहा है, मादा भाग के वर्तिकाग्र तक, तब इसको क्या कहेंगे, हवा परागण। यानी सिंपल परिभाषा देना है कि पराग कण का स्थानांतरण, पराग कण का स्थानांतरण याद रखिएगा, पराग कण का स्थानांतरण वर्तिकाग्र पर हवा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है, तो इसको कहा जाता है हवा परागण। क्या कहते हैं, हवा परागण। हवा परागण क्यों होगा, इसका भी कुछ शर्त है, क्यों होना चाहिए हवा परागण, तो देखिए समझिएगा बढ़िया से। हवा परागण इसलिए होना चाहिए ताकि वैसे पुष्प में होते हैं जिनके पुष्प जो होते हैं छोटे होते हैं, पुष्प क्या होता है, छोटा होता है, जिनका पुष्प छोटा होता है उनमें कौन सा परागण होंगे, उनमें जो है हवा परागण होंगे। जिनका पुष्प छोटा के साथ साथ इनके पुष्प में अगर देखा जाए तो जो पुष्प होते हैं उस पुष्प में ना सुगंध होता है, यानी रास से पुष्प में रास से सुगंध रंगीन नहीं होता है, पुष्प रंगीन भी नहीं होता है, पुष्प में सुगंध भी नहीं होता है, पुष्प में रस भी नहीं होता है। यानी कहेंगे कि पुष्प जो होते हैं वो छोटा होता है, पुष्प में रस सुगंध और पुष्प रंगीन नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हवा परागण। क्या बोलेंगे, हवा परागण। सिंपल याद रखिएगा कि पराग कोष से पराग का निकलकर किस हवा के द्वारा मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, इसको हवा परागण कहेंगे। अब आइए, अब नीचे बात कर लेते हैं जल परागण। तीसरा कौन सा परागण हो रहा है, तीसरा हो रहा है जल परागण। याद रखिएगा ये क्या हो गया, जल परागण। ये सब जो है परागण के प्रकार है। जल परागण को हाइड्रोफिली बोलते हैं। चलिए देखिए एक बात समझिएगा, इसको एनिमोफिली बोलते हैं। चलिए इसको एंटेमोफिली। देखिए एक बात समझिएगा कि जल परागण हाइड्रोफिली क्या होता है, पहले इधर मिटा देते हैं सबको। अच्छा इसका एग्जाम्पल पूछ रहा है, चलिए एग्जाम्पल बता देते हैं तब दोनों का, ठीक है। हवा परागण के एग्जाम्पल जैसे देखिए, हवा परागण किस किस में होता है, हवा परागण होते हैं आपका घास में, कहां होते हैं, घास में, बांस में, घास बांस खजूर, घास बांस खजूर तार, इस समय भी हवा के द्वारा परागण की क्रिया होती है, भांग ऐसा में हवा के द्वारा परागण। कीट परागण के एग्जाम्पल में क्या होंगे, इसमें हो जाए गुलाब, गुलाब में किसके द्वारा परागण होता है, उड़हुल में कीट के द्वारा होता है उड़हुल। फिर रात रानी में किसके द्वारा परागण होता है, इनमें भी कीट के द्वारा होती है। चमेली में किनके द्वारा परागण होता है, इनमें भी होती है। अब एक बात याद रखना कि जलीय पादप जो होते हैं जैसे कमल में जो परागण की क्रिया होती है वो किनके द्वारा होता है, ध्यान देना, जो कमल लिखा हुआ है इस कमल में, कमल जलीय पौधा है लेकिन इनमें जो परागण की क्रिया होती है वो किनके द्वारा होता है, कीट के द्वारा। नीचे लिख दे, थोड़ा सा चमक रहा है इन लोग का। चलो देखो याद रखिएगा कि जो कमल होते हैं इन कमल में जो परागण की क्रिया होती है वो किनके द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है, कीटों के, क्योंकि रंगीन पुष्प होते, याद रखिएगा। ये जल में है तो जल मत समझ लेना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन कहेगा तो जल नहीं लगाइएगा, गलती हो जाएगा, कीट लगाइएगा, कीट द्वारा परागण होता है, ठीक है। आइए यार यहाँ पे इसको मिटाए। चलिए अब बाद में वीडियो रहती है, लिखना जिनको छूट गया है ना
वो बाद में वीडियो रिकॉर्डेड रहती है, जा करके फिर से दोबारा लिख सकते हैं या वीडियो रोक रोक करके, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा, क्या समझना है। अब हम बात कर लेते हैं जल परागण, ये तीसरा हो गया जल परागण, दो को देख लिए। तीसरा बात कर लेते हैं जल परागण का। अब ये बात करते हैं जल परागण क्या होता है। चलिए देखिए ये जल परागण समझिए। अब यहाँ पे जो हवा लिखे थे इस जगह पे क्या कर देंगे, जल कर देंगे, क्या कर देंगे, जल कर देंगे। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा कि जो जल परागण होते हैं, पराग कोष से पराग का निकलकर किसके माध्यम से, जल के माध्यम से मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, उसे जल परागण कहते हैं या पानी परागण कहते हैं। तो यहाँ पे कहेंगे कि पराग कण का स्थानांतरण किसकी सहायता से, तो जो पराग कण है ना, पराग कण, उस पराग कण का स्थानांतरण, पराग कण का स्थानांतरण, तो पराग कण का जो स्थानांतरण हो रहा है कहाँ हो रहा है, वर्तिकाग्र पर, कहाँ हो रहे, वर्तिकाग्र पर जल के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, जल परागण हो कहते हैं, जल के द्वारा होता है इसलिए इसे जल परागण कहते हैं। हो गया। अब आइए जल परागण को देखा जाए तो जल परागण दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं जल परागण दो प्रकार के, एगो अधो जल होते, एगो क्या होते हैं अधो जल परागण, और एक होते हैं अधि जल परागण, अधि जल परागण, ठीक है, याद रखिएगा। एक होते हैं अधो जल और एक होते हैं अधि जल परागण, ये दोनों को समझ लो बढ़िया से। एक क्या होता है अधो जल परागण और एक अधि जल परागण होते हैं, ठीक है। अब आइए अधो जल में अगर देखा जाए तो जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा क्या है, तालाब है, एकदम ध्यान से सुनना, ये पूरा का पूरा तालाब है और इस तालाब में यहां तक क्या है, जल भरा हुआ है, ये पूरा तालाब है यहां तक जल है, और जल में यहाँ जो है, जल में मान लीजिए नीचे जो है, जल में नीचे की ओर जो है ये पौधा है, जल में क्या है, नीचे पौधा है, तो पौधा यहां तक क्या है, जल है, यहां तक जल भरा हुआ, ठीक है, पूरा यहां तक जल भर गया, जल के नीचे क्या है, पौधा है, तो इसमें परागण जो होंगे, परागकश निकलेंगे तो जल के अंदर ही जा रहे हैं, जल के अंदर ही परागकोष से परागकण तक जा रहे हैं, यानी जल के अंदर परागण की क्रिया हो रही है, तो इसको बोलते हैं अधोजल। अधोजल एग्जाम में क्वेश्चन करेगा तो कहिएगा वैसा परागण जिसमें जल, जो जल के अंदर होती है, जल के अंदर होता है, तो जल के जो अंदर होता है उसको बोलते हैं अधो जल परागण, और अधि जल परागण बोलते हैं जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा तालाब है, एकदम बढ़िया सुनना, और यहां तक जल भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, जल, और यहां से जो मादा भाग है वो मादा भाग ऐसे निकला हुआ है, जल से थोड़ा सा ऊपर, जल से ऊपर निकला हुआ है, और ये जो है नीचे की ओर लगा है, और इसमें नर भाग भी जल से थोड़ा सा ऊपर है, तो जल कहाँ तक है, जल यहाँ तक है, और जल के सतह पे क्या निकला हुआ है, नर और मादा निकला, तो जब पानी बहेगा ऐसे तो पानी किसको, पराग कण जो है या पानी को लेकर के जैसे आगे की ओर बढ़ेगा तो मादा भाग से चिपक जाएगा, तो इसको बोलते अधि जल, यानी वैसा परागण जो जल के सतह पर होता है, जल के सतह पर होता है, तो जो जल के सतह पर होता है उसको अधि जल परागण कहते हैं, और जो जल के अंदर होता है इसको अधो जल परागण कहते हैं। तो जैसे देखिए जल के अंदर कैसे होगा, तो जल के अंदर जो परागण होते हैं इनका एग्जाम्पल ले लेते हैं, किन पौधा में जल का अंदर परागण के क्रिया होगा, तो एक एक बात समझिए। तो यहाँ पे समझिएगा एग्जाम्पल में सीराइटोफिलस, सीराइटोफिलस याद रखिएगा, सीराइटोफिलस जो है ये जल के अंदर परागण करते हैं, ये पादप है जी, सीराइटोफिलस पादप है,
इसके अलावा देखिएगा जोस्टेरा भी जो क्या है, यह भी एक पादप है। आइए अब अधिक जल के एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होंगे, तो इसका एग्जाम्पल होगा हाइड्रीला। हाइड्रीला का नाम सुने हैं ना, एग्जाम में हमेशा पूछता है हाइड्रीला, वैलिस नेरिया। ये दोनों एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि निम्नलिखित में किनके द्वारा जल परागण होते, तो वैलिस नेरिया, हाइड्रीला, ये सब जल के द्वारा ही परागण कर रहा है। भले कोई अंदर कर रहा है, कोई सतह पे कर रहा है, लेकिन सब के सब क्या है, जल परागण का ही उदाहरण है। अब आइए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं चौथा हम लोग बात करेंगे पक्षी परागण पर। किस पर बात करेंगे, पक्षी परागण पर, ठीक है, पक्षी परागण। अब एक बात समझिए, पक्षी परागण क्या होता है, सेम वही बात जितना भी परागण पढ़ेंगे। अब यहां से जल हटा करके कर दीजिए पक्षी, तो क्या कहेंगे कि जब पराग कोष से पराग कर निकल कर, जब पराग कोष से पराग कर निकल कर पक्षी के माध्यम से मादा भाग के वर्तिकाग्र तक जाता है, उसे क्या कहेंगे, पक्षी परागण कहेंगे। यानी क्या बोल सकते हैं कि जो पराग कण है, इस पराग कण का स्थानांतरण, पराग कण का स्थानांतरण किनके सहायता से होता है, पराग कण का जो स्थानांतरण हो रहे हैं, पराग कण का जो स्थानांतरण हो रहा है, ये पराग कण का स्थानांतरण वर्तिकाग्र पर किसके द्वारा, वर्तिकाग्र पर पक्षी के द्वारा होती है, ठीक है, किनके द्वारा होती है, पक्षी के द्वारा होता है, तो इसको बोलते हैं पक्षी परागण। आप ऐसे भी परिभाषा दे सकते, ऐसे भी कि पराग कोष से पराग का निकलकर पक्षी की सहायता से मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो इसे पक्षी परागण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में झुमका, झुमका एक पौधा है, झुमका क्या है, झुमका एक पौधा है, और झुमका में मरमर पक्षी द्वारा हमिंग बर्ड, मरमर पक्षी को क्या बोलते हैं, हमिंग बर्ड बोलते, तो मरमर पक्षी द्वारा परागण होती है। झुमका में एग्जाम में क्वेश्चन करेगा पैसी फ्लोरा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैसी फ्लोरा, हिंदी में झुमका, ई वाला झुमका नहीं कि झुमका गिरा बरेली के बाजार में, ये वाला झुमका एक फसल है जो गेहूं में ज्यादा देखने को मिलता है, तो ये जो झुमका फसल है, इस झुमका में परागण किनके द्वारा होता है, मरमर पक्षी के द्वारा होती है। अब यहाँ पे एक बात कर लेते हैं कि इधर मिटा दे, इधर दिक्कत है नहीं है, चलो इधर मिटा देते थोड़ा सा। चलिए अब हम बात कर लेते पक्षी परागण क्यों होगा, रीजन क्या है होने का, जरूरी है कि पक्षी परागण होवे करेगा, क्यों होगा, तो देखिए इसका कुछ शर्त है। जो पक्षी परागण वैसे पुष्प होते हैं जो पुष्प प्याले के समान हो, पुष्प यानी पुष्प क्या हो, प्याले के आकार का, प्याले के या कुंभा के आकार का हो, कुंभाकार हो, तो जो पुष्प कुंभाकार होता है उनमें क्या होते हैं, पक्षियों के सहायता से, यानी पक्षी चोंच मारती है अंदर, तो उस चोंच में परागण लग जाते हैं, और जैसे दूसरे पुष्प पर जाते हैं तो परागण की क्रिया हो जाती है। यानी जैसे मान लीजिए ये पुष्प पेड़ है, और इस पेड़ में पुष्प जो लगेंगे ना वो ऐसे लगेंगे कुंभ के आकार का, एकरा में नर मादा होंगे, एकरा में क्या होगा, नर मादा, तो एकरा में पक्षी के चोंच लंबा होता तो चोंच इसका अंदर मार देता, तो कुंभ के आकार या प्याले के आकार के होते। इनमें जो है परागण अधिक बनते, इसमें जो है इसके पुष्प में यानी इसमें परागकण, इसमें परागकण अधिक मात्रा में बनते हैं, अधिक मात्रा में बनते हैं, याद रखिएगा परागकण क्या होते हैं, अधिक मात्रा में बनते हैं, अधिक मात्रा में बनते हैं। चलिए तीसरा अगर हम बात कर ले तो तीसरा क्या होते हैं कि इसके पुष्प जो होते हैं गंध रहित होते हैं, इसके पुष्प में सुगंध नहीं होते,
इसके पुष्प में सुगंध नहीं होता, ठीक है ना, सुगंध नहीं होते हैं। तब जब सुगंध नहीं होता, पक्षी जाए लग जाए काला, रस चूसने जाते हैं, यानी पुष्प में अधिक रस होते, सुगंध कम होता है लेकिन रस क्या होता है, अधिक पाए जाते, पुष्प में अधिक रस होते, और पुष्प में अधिक रस होते हैं इसलिए कह सकते हैं कि ये जो है पक्षियां इसमें चोंच में मारते हैं पुष्पों पर रस चूसने के लिए। तोता के द्वारा होता है, आपका मरमर पक्षी के द्वारा, गोरैया पक्षी के द्वारा, सबके द्वारा जो होती है परागण की क्रिया हो जाती है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आगे अगला परागण के बारे में, ठीक है। ये अगला परागण क्या है, चलिए समझिएगा बढ़िया से। अगला जो परागण है इस पचवा, पांच नंबर परागण, चमगादड़ परागण। क्या बोलते हैं? चमगादड़, चमगादड़ परागण, चमगादड़ परागण, जिसको क्रेप्टेरोफिली कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेप टेरोफिली। चलिए अब एक बात समझिएगा कि चमगादड़ परागण क्या होते हैं। देखो सेम वही चीज, यहां से हटा दीजिए माध्यम, और माध्यम क्या बना दीजिए, चमगादड़, क्या बना दीजिए, चमगादड़ बना दीजिए। तो वही पराग कोष से पराग कर निकलकर, पराग कोष से पराग कर निकलकर चमगादड़ के माध्यम से मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, चमगादड़ परागण कहलाता है। यानी क्या कहिएगा कि जो पराग कण है, इस पराग कण का स्थानांतरण, पराग कण का स्थानांतरण वर्तिकाग्र पर किनकी सहायता से होता है? वर्तिकाग्र पर चमगादड़ द्वारा होता है, चमगादड़ द्वारा होता है, चमगादड़ द्वारा होता है, इसको क्या बोलते हैं, चमगादड़ परागण। जैसे किसमें, तो कदम के पेड़ में, कदम का सब कोई पेड़ दिखाओ, कदम का पेड़ नहीं देखे, कदम नहीं खाए हैं, तो वो कदम पे जो होते हैं ना, उसमें परागण की क्रिया जो होती है वो चमगादड़ के द्वारा होती है। चमगादड़ रात में उड़ते हैं, उस फल पर जाके बैठते हैं, उस फल को खाते हैं, रस चूसते हैं, तो उससे परागण की क्रिया हो जाती है। इधर मिटा देते हैं। चलिए देखो अब बात कर लेते हैं घोंघा के बारे में, ठीक है। घोंघा परागण समझना, एक एक बात है कि घोंघा परागण क्या होते हैं। चलिए देखिए यहां पे समझिए। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं आगे अगला परागण के बारे में, ठीक है। ये अगला परागण क्या है, चलिए समझिएगा बढ़िया से। अगला जो परागण है इस पचवा, पांच नंबर परागण, चमगादड़ परागण। क्या बोलते हैं? चमगादड़ परागण, चमगादड़ परागण, जिसको क्रेप्टेरोफिली कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेप्टेरोफिली। चलिए अब एक बात समझिएगा कि चमगादड़ परागण क्या होते हैं। देखो सेम वही चीज, यहां से हटा दीजिए माध्यम, और माध्यम क्या बना दीजिए, चमगादड़, क्या बना दीजिए, चमगादड़ बना दीजिए। तो वही पराग कोष से पराग कर निकलकर, पराग कोष से पराग कर निकलकर चमगादड़ के माध्यम से मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, चमगादड़ परागण कहलाता है। यानी क्या कहिएगा कि जो पराग कण है, इस पराग कण का स्थानांतरण, पराग कण का स्थानांतरण वर्तिकाग्र पर किनकी सहायता से होता है? वर्तिकाग्र पर चमगादड़ द्वारा होता है, चमगादड़ द्वारा होता है, चमगादड़ द्वारा होता है, इसको क्या बोलते हैं, चमगादड़ परागण। जैसे किसमें, तो कदम के पेड़ में, कदम का सब कोई
पेड़ देखा, कदम का पेड़ नहीं देखे, कदम नहीं खाए हैं, तो वो कदम्ब जो होते हैं ना उसमें परागण की क्रिया जो होती है वो चमगादड़ के द्वारा होती है। चमगादड़ रात में उड़ते हैं, उस फल पर जाके बैठते हैं, उस फल को खाते हैं, रस चूसते हैं, तो उससे परागण की क्रिया हो जाती है। इधर मिटा देते हैं। चलिए देखो, अब बात कर लेते हैं घोंघा के बारे में, ठीक है? घोंघा परागण, समझना एक एक बात है कि घोंघा परागण क्या होते हैं। चलिए देखिए, यहां पे समझिए, चलो देखो समझिएगा बढ़िया से। अब बात कर लेते हैं तीसरा, छठा है ना बाबू, 6 नंबर परागण, यानी परागण के टोटल 6 प्रकार हो गए। घोंघा परागण पर बात कर लेते हैं, किस पर बात कर लेते हैं? घोंघा परागण, सेम वही बात लिखिएगा परिभाषा, क्या परिभाषा लिखना है? सेम वही परिभाषा, नो चेंजिंग। यहाँ पे चमगादड़ था तो यहाँ पे अभी क्या कर देंगे, यहाँ पे जो है कर देंगे आपका घोंघा, यानी घोंघा। तो यहाँ पे कहेंगे कि पराग कोष से पराग कण निकल कर घोंघा के माध्यम से मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, घोंघा परागण कहते। यानी यहाँ पे सेम परिभाषा लिखना है कि जो पराग कण है उस पराग कण का स्थानांतरण किनकी सहायता से होता है? पराग कण का जो स्थानांतरण हो रहा है, पराग कण का स्थानांतरण वर्तिकाग्र पर कहाँ होते हैं? वर्तिकाग्र पर। तो पराग कण का स्थानांतरण वर्तिकाग्र पर घोंघा की सहायता से होते हैं। किसकी सहायता से? घोंघा की द्वारा, घोंघा की द्वारा होता है, उसको क्या बोलते? घोंघा के द्वारा होता है उसको क्या बोलते हैं? घोंघा। जैसे कौन कौन से पौधा में, पौधे छोटे छोटे होते हैं, जमीन में सटे होते हैं, जब वो चलते हैं, जैसे मान लीजिए पौधा मिट्टी है और इस पर छोटे छोटे पौधे हैं, जब घोंघा चलता है तो चलने के क्रम में यहाँ से रगड़ा करके परागण निकल के इस तक चले आते हैं, तो ऐसे क्रम में परागण क्रिया होती है। जैसे पौधा में क्राइसेंथ मीम, याद रखिएगा क्राइसेंथ मीम पौधा का नाम है, और इस पौधा में परागण की क्रिया होती है घोंघा द्वारा। लेमना, लेमना की अगर हम बात कर रहे हैं तो लेमना में जो होती है वो घोंघा के द्वारा परागण होता है। एरिसीमा, एरिसीमा में परागण की जो क्रिया होती है वो किनके द्वारा होती है? वो होता है घोंघा के द्वारा। हो गया, चलिए ये हो गया परागण खत्म। परागण टोटल कितने प्रकार के थे? 6 प्रकार के बता दिए, ठीक है? 6 प्रकार के परागण, ये हो गया पर परागण। अब बात कर लेते हैं इमैस्कुलेशन, क्या बात कर लेते हैं? इमैस्कुलेशन के बारे में। एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि इमैस्कुलेशन क्या है, ऐसे हिंदी में लिखेगा, इंग्लिश शब्द इमैस्कुलेशन, एकरा बोलते हैं कृत्रिम परागण। क्या बोलते हैं? कृत्रिम परागण बोलते हैं, ठीक है? परागण, कृत्रिम परागण होते हैं, तो इसको बोला जाता है कृत्रिम परागण को इमैस्कुलेशन। इसमें क्या होते हैं कि मानव अपनी इच्छा अनुसार, मानव क्या करता है? अपनी इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, ध्यान रखिएगा कि मानव अपनी इच्छा अनुसार परागकण को वर्तिकाग्र तक ले जाते, वर्तिकाग्र तक पहुंचाते, परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाते हैं तो परागण की क्रिया होती है, पहुंचाते हैं तब परागण की क्रिया होती है, तब क्या क्रिया होती है? परागण की क्रिया होती है, परागण की क्रिया होती है, इसको कहा जाता है इमैस्कुलेशन, कृत्रिम परागण। जैसे चले आइए, यहाँ पे एक फिगर बना देते हैं, क्या बना देते हैं? फिगर, समझिएगा। अब मान लीजिए ये पूरा का पूरा हो गया आपका नर भाग, क्या हो गया? नर भाग, इधर हो गया मादा भाग। अब ये जो मादा भाग है, अब यहाँ पे मानव क्या करता है कि ये पौधा का मान लीजिए नर छोटा है तो मानव इसको तोड़ करके यहां से काट करके, कैसे काट के यहां से काट देगा
और काट करके इस परागकण को इस जगह पे छिड़क देगा। तो जैसे ही छिड़क देगा मानव अपनी इच्छा से, तो परागण की क्रिया हो जाएगी, निषेचन हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं कृत्रिम परागण। और ये कई प्रकार की कृत्रिम परागण कैसे करेंगे देखो, इधर मिटाते हैं, समझिएगा बढ़िया से। चलिए देखिए, कृत्रिम परागण मानव दो प्रकार से करते हैं, ठीक है। एक होता है केपिंग के द्वारा और एक होता है विपुंसन के द्वारा। तो सबसे पहले कृत्रिम परागण कितने प्रकार के, कितने प्रकार से करा सकते हैं, दो प्रकार से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैसे कराएंगे, पहला पहला होती है केपिंग। पहला क्या होता है, केपिंग होता है, ठीक है, केपिंग याद रखिएगा, केपिंग। इसी को बोलते हैं बोरा वस्त्रावन। केपिंग को क्या बोलते हैं, बोरा वस्त्रावन। केपिंग को क्या बोलते हैं, बोरा वस्त्रावन, ठीक है। अब यहां पे आए, या इसी को बैगिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, बैगिंग, याद रखिएगा। एग्जाम में ये तीनों में से कोई एक नाम पूछेगा, बैगिंग क्या है, बोरा वस्त्रावन क्या है, या केपिंग क्या है, तीनों में से कोई वो पूछेगा। समझिए तीनों क्या है परिभाषा। जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा जो है ये मादा भाग हो गया, ठीक है, और इस मादा भाग में ये नीचे बना दिए हम पूरा का पूरा अंडा से, और ये पूरा का पूरा पुष्प वृंत हो गए, ठीक है। अब मान लीजिए मानव क्या करते हैं, कि मानव क्या करते हैं देखिए, समझिएगा, मानव यहाँ पे ये क्या बन गया, ये बन गया परागकोष। तो क्या करते हैं मानव, कि इस नर जो भाग है, इस नर भाग को कागज की पतली थैली या प्लास्टिक से, कागज की थैली, की थैली, कागज की थैली से मादा को ढक देते हैं। क्या करते हैं, मादा को ढक देते हैं। अब एक बात समझिए, कि जब कागज की पतली थैली से मादा को ढक देते हैं, तो ढक देने से कभी भी पराग कण जब यहां से यहां तक पहुंचेगा तो मादा तक पहुंच पाएगा, क्योंकि मादा तो ढका हुआ है। तो ढकने वाले भाग को केपिंग कहते हैं, बैंग कहते हैं, बोरा वस्त्रावन कहते हैं। तो कभी परागण की क्रिया होगी, नहीं होगी। तो कहेंगे कि पराग बोरा वस्त्रावन में कि वैसी प्रक्रिया जिसमें पुष्प के मादा भाग को कागज की पतली थैली से ढक देते हैं, क्या करते हैं, कागज की थैली से मादा भाग को ढक देते हैं, जिससे परागण की क्रिया नहीं होती है, जिससे परागण की क्रिया नहीं होती है, जिससे परागण की क्रिया नहीं होती है। तो जब परागण की क्रिया नहीं होगा तो निषेचन भी नहीं होगा। अब यहाँ पे मानव क्या करता है, अब यहाँ पे मानव जिस दिन चाहेगा उस दिन इस नली को हटा देगा, इस कागज की थैली को हटा देगा और परागण की क्रिया करवा देगा, तो उसको बोलते हैं मानव कृत्रिम परागण, ठीक है। अब आइए, अब दूसरा बात कर लेते हैं विपुंसन। क्या बात कर लेते हैं, विपुंसन के बारे में, विपुंसन क्या होते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसमें सेम चीज होते हैं, क्या होते हैं, ये जो मादा भाग होते हैं, इस मादा भाग को क्या करते हैं, इस मादा भाग के साथ जुड़े होते हैं नर भाग, क्या जुड़े होते हैं, नर भाग जुड़े होते हैं। तो विपुंसन में मानव क्या कहते हैं, ये जो नर भाग है, विपुंसन में देखा जाए तो पुष्प का जो नर भाग है, इस नर भाग को काट कर, नर भाग को क्या करते हैं, काट कर -196 डिग्री सेल्सियस पर जमा रखते हैं, क्या रखते हैं, जमा रखते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस पर जमा रखते हैं। और जब इनको परागकण करवाना होता है मानव को, तो इस इसको यहां से निकाल करके इस परागकण को यहां पे छिड़क देते हैं, तो परागण की क्रिया हो जाती है। ये होता है विपुंसन। एग्जाम में विपुंसन दो नंबर में पूछेगा, तो कहिएगा कि वैसी प्रक्रिया जिसमें नर भाग को काट कर -196 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है और फिर मानव अपनी इच्छा अनुसार
पराग कण के द्वारा उस पर छिड़काव कर देता है, जिससे परागण की क्रिया होती है। उस प्रक्रिया को विपुंसन कहते, उस तकनीक को विपुंसन कहते हैं। केपिंग या बोरा वस्त्रावन पूछेगा तो कहिएगा कि वैसा तकनीक जिसमें पुष्प के मादा भाग को कागज की थैली से ढक देते हैं, जिससे परागण की क्रिया नहीं होती है और मानव अपनी इच्छा अनुसार परागण की क्रिया करवाने के लिए इस थैली को हटा देता है, तब जाकर परागण की क्रिया होती है। इस तकनीक को केपिंग या बोरा वस्त्रावन या बैगिंग कहते हैं। समझ में आई बात? अब जो है यहां से पढ़ेंगे पुष्प का निषेचन। क्या पढ़ेंगे यहां से? पुष्प के निषेचन पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक दिन और क्लास, निषेचन हो जाएगा, दोहरा निषेचन और त्रि निषेचन, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएंगे। अब नहीं बचा कुछ, अब दोहरा निषेचन को अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है? तो आज रहने देते, अब क्लास यहीं पे 9:15 बज रहे हैं, सबको नींद भी बहुत लोग को आ रही है, इस सर क्लास कब छोड़िएगा। चलो कोई बात नहीं, अब बस एक दिन का और क्लास रहा, कल खत्म हो जाएगा। कल 8:30 बजे से बायोलॉजी रहेगा और 7:30 बजे से हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो यार, लाइक नहीं करते हो, ठीक है ना? लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्त को जल्दी जल्दी जोड़िए, ठीक है? आज जिनको PDF नहीं मिला, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। चलिए ठीक है।